नमस्कार। Xiaomi के सारे रिटेल पार्टनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन थर्ड फेज में एक्सटेंड किया है, लेकिन इसी के साथ पूरी कंट्री को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में डिवाइड किया है। और ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में कुछ कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलाउ की हैं। और इसके साथ ही आई एम श्योर हमारे बहुत सारे रिटेल पार्टनर्स, मी प्रिफर्ड पार्टनर्स, मी स्टोर पार्टनर्स, मी स्टूडियो पार्टनर्स धीरे धीरे अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। विद दिस डिविजन ऑफ कंट्री इनटू रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स, आई एम होपिंग मेनी ऑफ आवर रिटेल पार्टनर्स, मी स्टोर पार्टनर्स, मी प्रिफर्ड पार्टनर्स एंड मी स्टूडियो पार्टनर्स कैन स्टार्ट ओपनिंग देयर शॉप्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। मेरा पहला रिक्वेस्ट होगा आप सब लोगों के साथ, प्लीज कोई जल्दबाजी ना करें। आई नो ये बहुत ही टफ पीरियड रहा है हम सब लोगों के लिए। पिछले 40 दिनों से हम सबका रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का रेवेन्यू, हमारा एक स्मार्टफोन ब्रांड का रेवेन्यू, सबका रेवेन्यू ऑलमोस्ट जीरो रहा है। और ये बहुत ही टफ टाइम है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे, अगर गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि हम स्टोर खोल सकते हैं फिर भी हम स्टोर खोलेंगे, तो ये और भी गलत हो जाएगा, ये सिचुएशन को और खतरनाक बना सकता है। तो मेरा अपने सारे रिटेल पार्टनर्स से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट ओपन योर शॉप्स अनलेस द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ इट। जब तक गवर्नमेंट अलाउ ना करे, प्लीज आप अपनी शॉप बिल्कुल भी ना खोलें। जब अगर आप अपनी शॉप, अगर आपको परमिशन मिल गई है और आप अपनी शॉप खोल रहे हैं, प्लीज सारी की सारी प्रिकॉशंस लें। मैं Xiaomi इंडिया टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों को 15 प्रिकॉशंस बताना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे की सारे रिटेल पार्टनर्स, 10,000 से ज्यादा पार्टनर्स, ये सारे प्रिकॉशंस जरूर लेंगे। ये वो प्रिकॉशंस हैं जो गवर्नमेंट ने बताई हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमने अपनी तरफ से, Xiaomi इंडिया टीम ने आप लोगों के लिए सजेस्ट करी हैं, जो कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है। पहली चीज तो ऑफ कोर्स, जब भी आप एक शॉप खोलेंगे, प्लीज इंश्योर आप उस शॉप को अच्छी तरह सैनिटाइज करिए, फ्यूमिगेट करिए, उसको पूरा क्लीन करिए। बिफोर यू ओपन योर शॉप प्लीज सैनिटाइज इट कंप्लीटली। और यही नहीं, हर रोज, हर सुबह जब आप शॉप खोलते हैं, उससे पहले सारी सर्फेसेस, पूरी शॉप को सैनिटाइज करिए, क्लीन करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट नंबर 1 है आप सब लोगों के साथ। रिक्वेस्ट नंबर 2, आई नो मोबाइल की शॉप्स में बहुत सारे प्रमोटर्स, शॉप बॉयज होते हैं। कई सारी शॉप्स में मैं गया हूं जहां पे कि एक छोटी सी शॉप में भी 10-10, 15-15 प्रमोटर्स हैं। आई नो ये प्रमोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेल्स के लिए, लेकिन इस टाइम पे सेल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सेफ्टी, हमारी वेलबींग। और ये हमें जरूर कोशिश करनी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। और इसके लिए आप अपनी शॉप के अंदर कम से कम शॉप बॉयज या प्रमोटर्स को रखें। गवर्नमेंट ने बोला है 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। मेरा सजेशन होगा आप सिर्फ 2 या 3 लोग, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी बड़ी शॉप है। अगर बहुत बड़ी शॉप है तो 3-4 लोग, छोटी शॉप है तो 1-2 लोग, उतने ही लोगों को आप शॉप के अंदर अलाउ करिए आना। थर्ड रिक्वेस्ट, ओनली अलाउ फ्यू कस्टमर्स टू कम इन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय पे सिर्फ 2-3 कस्टमर्स को अंदर आना अलाउ करें, ताकि आपके बीच में, आपके प्रमोटर शॉप बॉयज के बीच में और कस्टमर्स के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो सके। माय फोर्थ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस इज प्लीज मेंटेन अ टोकन सिस्टम, अ यूज एंड थ्रो टोकन सिस्टम आउटसाइड योर शॉप।
आपके शॉप के बाहर कई सारे कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे, उन सबको पेपर पे या थर्मोकोल पे या गत्ते पे बना के एक टोकन सिस्टम करें जिसको वो यूज कर सकें और यूज करने के बाद एक डस्टबिन में थ्रो कर सकें। प्लीज आप ये मेंटेन करिए। रिक्वेस्ट नंबर 5, प्लीज टू एंश्योर दैट देयर फ्लोर मार्किंग्स आउटसाइड योर शॉप एंड पीपल हु आर वेटिंग दे मेंटेन एटलीस्ट 3 फीट डिस्टेंस। जो लोग बाहर वेट कर रहे हैं आपकी शॉप का, उन सब के बीच में कम से कम 3-3 फुट का फासला होना चाहिए ताकि वो लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सके। 6, जब भी आपकी शॉप में कोई कस्टमर एंटर करता है, आप प्लीज एंश्योर करें कि आपका सिक्योरिटी गार्ड, शॉप बॉय, जो भी है, वो उसको सैनिटाइजर दें और कस्टमर्स 30 सेकेंड तक अपने हैंड सैनिटाइज करें। एवरी कस्टमर मस्ट सैनिटाइज हिज और हर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स बिफोर एंटरिंग अ शॉप। रिक्वेस्ट नंबर 7, आपकी शॉप में जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उसको बोलिए कि वो शॉप का हैंडल या दरवाजा बार बार खोले कस्टमर्स के लिए। इंडिविजुअल कस्टमर्स को बोलिए वो खुद हैंडल को ना बार बार यूज करें ना खोले, ताकि एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर्स में इंफेक्शन होने के चांसेस, स्प्रेड होने के चांसेस कम से कम हो। ओनली अलाउ योर सिक्योरिटी गार्ड और वन ऑफ योर शॉप बॉयज टू परमिट टू ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर। डू नॉट आस्क कस्टमर्स टू ओपन और क्लोज द डोर। और अगर आपकी शॉप में कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो आप अपनी शॉप का दरवाजा परमानेंटली खुला भी रख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट नंबर 8, प्लीज जितनी भी आपकी सिक्योरिटी मैसेजेस हैं, जो भी आपकी प्रिकॉशन से रिलेटेड हाइजीनिक गाइडलाइंस हैं, हाइजीन की गाइडलाइंस, उन सब के पोस्टर्स बना के अपनी शॉप के बाहर और अंदर डिस्प्ले करें। मेजॉरिटी जितनी भी शॉप्स हैं हमारे मी प्रिफर्ड पार्टनर्स एंड मी स्टोर पार्टनर्स, उनके पास एक मी टीवी है। आप उस मी टीवी में भी इस सारी की सारी प्रिकॉशंस डिस्प्ले कर सकते हैं एक वीडियो फॉर्म में या एक पीपीटी फॉर्म में, ताकि कोई भी कस्टमर जो आपकी शॉप में आता है वो इस सारी प्रिकॉशंस देखें और उन्हीं के साथ उनको देखें और फिर सबको फॉलो करें। माई रिक्वेस्ट नंबर 9, इनसाइड द शॉप Once a customer is coming, please ask customer to follow social distancing. मतलब 3 फुट का फासला कस्टमर और आपके शॉप बॉय के बीच में होना चाहिए, या आपके आपके बीच में और कस्टमर्स के बीच में होना चाहिए, या दो कस्टमर्स के बीच में होना चाहिए। रिक्वेस्ट नंबर 10, प्लीज अवॉइड एनी कैश ट्रांजेक्शन। इस टाइम पे कैश का जितना भी आप लेन देन कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। आज के इस टाइम में बहुत सारे यूपीआई ऐप हैं, उनमें से एक मीपे भी है और कई सारे यूपीआई ऐप हैं। आप किसी भी यूपीआई ऐप का यूज करें, उसी के थ्रू आप पैसे लें, नहीं तो आप क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है इस टाइम पे अगर आप कैश ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें। तो ये है मेरे पहले 10 रिक्वायरमेंट और रिक्वेस्ट आप सब लोगों के लिए। अगली 5 मेरी रिक्वेस्ट हैं हमारे जो मित्र हैं, जो बडीज हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उन लोगों के लिए। पहली चीज, दुकान में जो भी आता है, स्पेशली ऑल बडीज, प्रमोटर्स, कस्टमर्स, हर कोई एक मास्क पहने। इनफैक्ट आप ये रूल बना सकते हैं कि अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो प्रमोटर है, चाहे वो कस्टमर है, वो शॉप में घुसेगा ही नहीं। इट इज मैंडेटरी टू वियर अ मास्क बिफोर एंटरिंग द शॉप। जितने बड़ी हैं, जितने प्रमोटर हैं, वो प्लीज हैंडशेक ना करें, नमस्ते करें या दूर से वेव करें कस्टमर्स को। अगर आप कस्टमर्स को जानते भी हैं तो भी प्लीज हैंडशेक अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंडेटरी यूसेज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। आप अपने सारे मी बडीज, सारे प्रमोटर्स को जरूर बोलिए, उन सब के पास स्मार्टफोन है, वो लोग स्मार्टफोन बेच रहे हैं, उनको बोलिए कि वो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसको कंपल्सरी यूज करें हर रोज।
रिक्वेस्ट नंबर 14, किसी भी कस्टमर को डमी या डेमो डिवाइस ना दे। आई नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर इंडस्ट्री टू गिव आउट डमी डिवाइसेस, टू शो डमी डिवाइसेस एंड डेमो डिवाइसेस टू कंज्यूमर्स प्लस, बट प्लीज अवॉइड ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टांसेस। क्योंकि अगर कस्टमर ने डेमो या डमी डिवाइस टच किया, फिर आपने उसको टच किया, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के, वायरस स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। तो प्लीज किसी को मत दीजिए। एंड माई लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को देते भी हैं डमी डिवाइस या डेमो डिवाइस, या किसी को आप टच कर लेते हैं, या किसी का कार्ड लेते हैं, या किसी से कैश ट्रांजेक्शन लेते हैं, उसके इमिजिएटली बाद अपने हैंड्स को वॉश करिए या सैनिटाइज करिए। सो आई विल वंस अगेन रिपीट दिस 15 रिक्वेस्ट दैट आई हैव फ्रॉम ऑल आवर पार्टनर्स। फर्स्ट, सैनिटाइज योर स्टोर एवरी डे। अपने स्टोर को साफ रखें, क्लीन करें, सैनिटाइज करें एवरी डे। सेकेंड, ओनली अलाउ फ्यू प्रमोटर्स और बडीज टू कम इन, मे बी जस्ट 2 or 3, नॉट मोर देन 50%। सिर्फ कुछ ही प्रमोटर्स को आप अंदर आना अलाउ करें, 2 or 3। नंबर 3, ओनली अलाउ फ्यू कस्टमर्स, 2 or 3 कस्टमर्स टू कम इन, कुछ ही कस्टमर्स को अंदर आना अलाउ करें। पॉइंट नंबर 4, एक टोकन सिस्टम रखें, यूज एंड थ्रो टोकन सिस्टम, सो दैट पीपल वेटिंग आउटसाइड कैन यूज इट। नंबर 5, दे शुड बी फ्लोर मार्किंग आउटसाइड, सो दैट पीपल वेटिंग आउटसाइड कैन मेंटेन 3 feet डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्फ। पॉइंट नंबर 6, बिफोर एनीवन कम्स इन, ही और शी मस्ट सैनिटाइज देयर हैंड्स फॉर 30 seconds। इससे पहले कोई अंदर आए, अपने हैंड्स जरूर सैनिटाइज करें। नंबर 7, अवॉइड दैट एवरीवन शुड टच और ओपन द डोर, ओनली योर सिक्योरिटी गार्ड शुड डू इट। सिर्फ एक ही बंदा आपके डोर को टच करे, उसको ओपन करे या क्लोज करे। पॉइंट नंबर 8, जितनी भी आपकी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, हाइजीनिक गाइडलाइंस हैं, उनको डिस्प्ले करिए, शोकेस देम ऑन अ मी टीवी और इन फॉर्म ऑफ पोस्टर्स इनसाइड एंड आउटसाइड द शॉप। पॉइंट नंबर 9, इनसाइड द शॉप मेंटेन 3 feet डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कस्टमर्स और प्रमोटर्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। पॉइंट नंबर 10, अवॉइड एनी कैश ट्रांजेक्शंस, कैश को अवॉइड करें, यूपीआई या कार्ड को यूज करें। पॉइंट नंबर 11, कंपल्सरी यूसेज ऑफ मास्क फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग प्रमोटर्स एंड कस्टमर्स। पॉइंट नंबर 12, नो हैंडशेक, नमस्ते करें या वेव करें। पॉइंट नंबर 13, मैंडेटरी यूसेज ऑफ आरोग्य सेतु ऐप। पॉइंट नंबर 14, अवॉइड गिविंग आउट डमी और डेमो डिवाइसेस टू द कंज्यूमर्स, प्लीज उनको ना दें। एंड पॉइंट नंबर 15, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, if you touch anything, if you do a handshake, if you give a demo or dummy device, or you take card or cash, please keep sanitizing your hands, washing hands after you touch anything. मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग ये 15 precautions लेंगे तो हम लोग कोरोना वायरस से, COVID-19 से मिलजुल के लड़ सकेंगे और हमारी इंडस्ट्री वापिस से ग्रो करेगी विदाउट स्प्रेडिंग दिस डेडली वायरस। मैं उम्मीद करता हूं हमारे सारे पार्टनर्स इस टाइम पे इन प्रिकॉशंस पे जरूर गौर फरमाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, ना कि खुद सुरक्षित रहेंगे, अपने बडीज, प्रमोटर्स, फैमिली मेंबर्स सबको सुरक्षित रखेंगे। जाने से पहले एक लास्ट रिक्वेस्ट हमारे सारे 10,000 से ज्यादा रिटेल पार्टनर्स के लिए। आई नो ये टाइम बहुत ही मुश्किल रहा है हम सब लोगों के लिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुश्किल पीरियड है उन लोगों के लिए जो हम पे डिपेंडेंट है, हमारे शॉप बॉयज, डिलीवरी बॉयज, दुकान में काम करने वाले लोग, प्रमोटर्स और बडीज। वो बेचारे 8,000, 10,000, 12,000 की सैलरी पे काम करते हैं पर महीने। हम लोगों ने, सारे शॉपकीपर्स ने, ब्रांड्स ने, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बहुत पैसा कमाया है इस ट्रेड में। इस टाइम पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन सब लोगों को सपोर्ट करें जो हमारे साथ इस ट्रेड में जुड़े हुए हैं। हम शाओमी इंडिया की तरफ से किसी को भी फायर नहीं कर रहे हैं, सारे टीम मेंबर्स को हमने अपने रोल पे रखा हुआ है। ना सिर्फ हमारे टीम मेंबर्स, एक्सटेंडेड टीम मेंबर्स, जैसे कि जितने भी हमारे प्रमोटर्स हैं, उन सबको हमने किसी को भी फायर नहीं किया है। उन सबको पूरी सैलरी मार्च अप्रैल में हर महीने की दे रहे हैं। मैं सेम रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करूंगा,
आपकी शॉप में जो भी शॉप बॉय, बड़ी, प्रमोटर, डिलीवरी बॉय, अकाउंटेंट, जो भी हो, प्लीज उसको इस मुश्किल टाइम पे ना निकालें, उनको पूरी सैलरी दें मार्च, अप्रैल, मई हर महीने की, और एडवांस में दें, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दें। याद रखिए कि कुछ हजार रुपए हम लोगों को शायद इतने नहीं चुभेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये जमीन आसमान का, पूरी जिंदगी का फैसला होगा। उनकी पूरी जिंदगी इस कुछ हजार रुपए महीने की सैलरी पे डिपेंडेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे सब रिटेल पार्टनर्स से कि वो सारी प्रिकॉशंस लेंगे, किसी को फायर नहीं करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे, और मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है हमारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वापस से उसी लेवल पे बहुत जल्द पहुंच जाएगी जिस लेवल पे थी। विद दिस विशिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइस स्टे सेफ एंड आवर बिजनेस ग्रोज वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टेक केयर। नमस्ते। बाय बाय।